जयपुर से है कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा से जुड़ी एक खबर। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गौरव यात्रा निकाली जा रही है। नेशनल हैंडलूम वैशाली नगर से निकाली जा रही है ये गौरव पद यात्रा। पांचेवाला होते हुए अलंकार कॉलेज पहुंचेगी गौरव पद यात्रा। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ कर रहे हैं शिरकत, मंत्री लालचंद कटारिया भी शामिल है। जरा तस्वीरें भी आप जरा देखिए, देशभक्ति के गीतों से ओतप्रोत ये पूरी तिरंगा यात्रा। गौरव पदयात्रा कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जा रही है। तो जयपुर से एक खबर है कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है गौरव यात्रा। नेशनल हैंडलूम वैशाली नगर से निकाली जा रही है ये गौरव पदयात्रा। पांचेवाला होते हुए अलंकार कॉलेज पहुंचेगी गौरव पदयात्रा। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ कर रहे हैं शिरकत, मंत्री लालचंद कटारिया भी शामिल है। तो वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, कई लोग वाहनों पर हैं तो कई पैदल भी आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देशभक्ति के गीत यहाँ पर गुंजायमान है। पुष्प वर्षा भी इन सभी पार्टीजनों पर की जा रही है, आम लोगों पर की जा रही है। हमारे देश का मान अभिमान और सम्मान है तिरंगा। राहुल गांधी हमारे नेता ने कहा तिरंगा ही मेरा धर्म है। आज़ादी के पहले कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बलिदान किए और उसके बाद में 1950 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया। तिरंगा हमारे देश की संविधान सभा ने बनाया, संविधान सभा में कांग्रेस के नेता थे। इसलिए आज जो लोग तिरंगे पर राजनीति करना चाह रहे हैं, ये बुनियादी मुद्दों को भुलाना चाह रहे हैं। देश जान चुका है इनका चाल चेहरा और चरित्र। बहुत जल्दी सच्चाई सामने आएगी। जिस ढंग से ये इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। मोदी सरकार देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको भूल चुकी है, उनको भुलाना चाहती है। इसलिए कभी धर्म के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, और अब तो हद हो गई तिरंगे के नाम पे भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे। तमाम अहम बातें उन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर कही, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र भी किया। तो वहीं केंद्र सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा, बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा। तो वहीं ये तस्वीरें भी आप जरा देखिए। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार 3-4 दिन से तिरंगा यात्रा चलती है, करोड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। देश की आज़ादी के पहले जो जिन लोगों ने शहादत दी और देश की आज़ादी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो देश में सरकार बनी, आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी उसके बाद में जो विकास की गति पकड़ी, वो कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस नेताओं का बलिदान है। और हर देशवासी तिरंगे से प्रेम करता है, उसी का परिणाम है कि पूरे राजस्थान के अंदर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है उसको बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहा है और तिरंगा अपने हाथ में लेकर आज़ादी के उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। मैं उन शहीदों को पूरे नमन करता हूं और ये तो तिरंगा हमारी आन बान शान है। ये हमेशा एकता और अखंडता के लिए हम इसको हाथ में लेकर चलें, अपने दिलों में बसाएं और देश की एकता के लिए हम हमेशा प्रगति के पथ पर चलते रहें।